सभी भाई बहनों को मेरी राम राम। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ कटहल की सब्ज़ी। तो मैं कटहल को जो है काट लेती हूँ दरांत से, और ये चक्कू से बिल्कुल नहीं कटती है क्योंकि बहुत ज़्यादा कैड़ी होती है। तो इसे मैं दरांत से अच्छी तरह से छिलका जो है इसको उतार लेते हैं। और मैं बहुत ही कम मसाले में कटहल की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनाने वाली हूँ। तो मैं जो है कटहल काट लेती हूँ, और इसमें जो है मैंने तेल लगाया था क्योंकि ये चिपकती है, या नींबू या तेल लगा लेना चाहिए। और उसके बाद मैंने इसे पानी में डाल दिया है जो ये काली ना पड़े। इतने में मैं मेरे प्याज और मसाला तैयार कर लेती हूँ। तो मैंने दो बड़े बड़े प्याज लिए हैं, और दो तीन लिए हैं टमाटर, दो तीन हरी मिर्च लिए हैं। और ये हरी मिर्च हैं तीखी वाली नहीं है, ये मतलब बिल्कुल भी चिरपी नहीं है। आजकल मिर्चें चिरपी आ ही नहीं रही हैं। और अब मैं जो है टमाटर को काट लेती हूँ, और मैं मोटे मोटे टमाटर काटे हैं मैंने, और मोटे मोटे ही प्याज काटे हैं। इससे ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है ये सब्ज़ी। और अब मैं हरी मिर्चों को भी काट लेती हूँ, और हरी मिर्चें भी मैंने मतलब तीन चार ली हैं, जो उन्हें भी मोटा मोटा काट लेती हूँ, ज़्यादा बारीक नहीं काटी है। और उसके बाद मैंने लहसुन अदरक कोई भी मसाला वसाला नहीं लिया है, और मैं सिर्फ मिर्ची और धनिया जो है पीस लेती हूँ। और ये साबुत में अच्छी खुशबू होती है, इसलिए मैं साबुत पीसती हूँ, और मैं साबुत ही डालती हूँ हर सब्ज़ी में पीस कर। और उसके बाद मैंने रख लिया है कुकर, और अब मैंने डाल दिया दो चमचा तेल। और तेल गर्म होने के बाद मैं जो है कटहल को तलने के लिए डाल देती हूँ कुकर में। और इसे अब हम चला देंगे अच्छी तरह से, जो ये थोड़ी देर मतलब तेल में जो है भुन जाए, और ये जो है आपस में टकराने लगी है। तो मैं उसके बाद इसे बाहर निकाल लेती हूँ। इसे इतना ही तलना है, ज़्यादा मतलब कि इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा अगर हम इसे ज़्यादा लाल भून देंगे तो। और उसके बाद मैंने डाल दी है प्याज, और इसमें मैंने जीरा कोई भी मसाला गरम नहीं डाला है। और उसके बाद इसमें डाल दिए हरी मिर्चें, और ज़्यादा मसाला भुना भी नहीं है मैंने। ये ज़्यादा टेस्टी तभी बनती है सब्ज़ी जब हम इसको कम भून लें मसाले को। और उसके बाद मैंने जो है इसमें डाल दी है मिर्च, और जो दो मैंने हल्दी एक साथ करी थी वो। और अब ये भुन चुकी है, इसमें तेल आ चुका है। उसके बाद डाल दूँगी मैं इसमें कटहल जो मैंने तल कर रखी थी। तो कटहल मैं डाल देती हूँ, और मैंने ये ढक कर रखी थी जो ये ठंडी ना हो। तो अब इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे, और मिलाने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी 1.5 गिलास पानी जो मैंने पहले से कटोरी में रखा था। और उसके बाद मैंने इसमें 2 सीटियाँ लगाई हैं, और मेरी सब्ज़ी जो है हो गई है तैयार। तो मैंने आपके सामने इसमें कोई भी ज़्यादा मसाला नहीं डाला, तो मेरी सब्ज़ी बन गई है।